गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नाउन इट्स नंबर. नंबर्स ऑफ नाउन मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स ऑफ नाउन क्या होते हैं. नाउन के दो नंबर्स होते हैं जो कि हैं आपके सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. आपने सबने पहले पढ़े होंगे सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं. ये सिर्फ वही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है. नाउन के नंबर ही कहा जाता है इनको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज इन द सिंगुलर नंबर. जब एक नाउन को बोला जाता है एक पर्सन या एक चीज़ की तरह, जब बात की जाती है उसकी, तो उसे सिंगुलर नंबर होता है. और जब हम एक से ज़्यादा नाउन जो है, मतलब एक पर्सन या एक चीज़ से ज़्यादा बात कर रहे हों तो होते हैं, तो उसका प्लूरल नंबर होता है. जैसे बुक है तो सिंगुलर है, और बुक्स हो गई तो ज़्यादा हो गई एक से ज़्यादा, तो ये प्लूरल है. ट्री है तो सिंगुलर है, ट्रीज हो गए तो प्लूरल. ऐसे बॉय और बॉयज़ हैं, गर्ल और गर्ल्स हैं, टेबल टेबल्स हैं, लायन लायंस हैं, टाइगर टाइगर्स हैं, और आपका चेयर चेयर्स हो गई. इस तरीके से जब आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं या प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द नंबर्स ऑफ नाउन. अब देखते हैं कि इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने का फॉर्मेशन क्या होता है. कुछ नाउन तो ऐसी होती हैं जो सिंपली जिनमें आप एस लगाते हैं तो वो आपकी प्लूरल बन जाते हैं. जैसे पेन, काउ, हाउस, हॉर्स, डॉग और डेस्क. बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें रूल्स बहुत सारे होते हैं. जैसे जब कोई भी वर्ड आपका एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स पे ख़त्म हो रहा है, तो आप उसमें एस ना लगाकर ईएस लगाएंगे. जैसे आपका होता है बॉक्स, बॉक्स का जब आप प्लूरल बनाते हैं वो बॉक्सेस हो जाता है. क्लास का प्लूरल बनाते हैं क्लासेस हो जाता है. बश का प्लूरल बनाते हैं बशेस हो जाता है. टैक्स का प्लूरल बनाते हैं टैक्सेस हो जाता है. इस तरीके से जो वर्ड्स आपके इन लेटर्स पे ख़त्म हो रहे हैं और आपको उनका प्लूरल बनाना है, तो आप उनमें ईएस लगाते हैं. उसके बाद में देखते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके वाई पे ख़त्म हो रहे हैं, जो आपके वाई पे ख़त्म हो रहे हैं और वाई से पहले उनमें कॉन्सनेंट लगा हुआ है. जो वाई पे ख़त्म हो रहा है लेकिन वाई से पहले उनमें कॉन्सनेंट लगा हुआ है, तो आप उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को रिमूव करके वहाँ पे आई एस लगाएंगे. जैसे सिटी, तो आपने सी आई टी वाई है, वाई को रिमूव किया तो वाई को रिमूव करके आपने लगाया आई ई एस. ऐसे स्टोरी है तो ये आपका हो गया स्टोरीज. कॉपी है हो गया आपका कॉपीज. लेडी है आपका हो गया लेडीज. ऐसे ही अगर आप आगे देखिए, अगर वाई है, पहले हमने रूल दोनों में सेम बताया था, वाई है लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट है. अब हम बात कर रहे हैं वाई है, वाई से पहले अगर वॉवल दिया हुआ है तो आप उसमें सिंगल एस लगाते हैं, आप वहाँ पे आई एस नहीं लगाते हैं. जैसे बी ओ वाई, वाई है लेकिन वाई से पहले वॉवल दिया हुआ है ओ, तो आप यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ सिंपली एस लगा देंगे. ऐसे टॉयज हो जाएगा आपका, स्टोरेज हो जाएगा. तो ये जो सब चीज़ें हैं, उसके बाद में देखते हैं कुछ वर्ड आपके ऐसे हैं जो ओ पे ख़त्म होते हैं तो आपको उसमें ई एस लगाना होता है. सबसे पहले इको, मैंगो, हीरोज. सिंपल है आपका, मैंगो में ई एस लग जाता है, हीरो में लग जाता है, इको में लग जाता है, नॉट अ बिग इशू. लेकिन उसके बाद में भी कुछ नाउन, पर्टिकुलर नाउन ऐसी होती हैं जिनमें आप एस लगाते हैं, जिनमें आप एस लगा कर भी के भी उन्हें प्लूरल बना देते हैं. फोटोज़ ओ पे ख़त्म हो रहा है लेकिन इनमें ई एस नहीं आता है, ये कुछ पर्टिकुलर नाउन होती हैं, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी. ठीक ऐसे ही आप देखते हैं कुछ नाउन जो हैं वो एस या ई एस पे ख़त्म हो रही हैं, तो आप उनमें दोनों में से, मतलब आप दोनों भी वर्क कर सकते हैं, सॉरी जो ओ पे ख़त्म हो रही हैं आप उनमें दोनों में भी एस या ई एस लगा सकते हैं. जैसे मॉस्किटो हो गया, मच्छर हो गया, तो आप उसमें एस लगाएंगे तो भी ठीक है, ई एस लगाएंगे तो भी ठीक है. कमांडो एस लगाएंगे तो भी ठीक है, ई एस लगाएंगे तो भी ठीक है. स्टूडेंट्स, ये कुछ नाउन्स होती हैं, आपको इनको याद ही करना पड़ेगा, जिनके रूल्स इस तरीके से हैं कि ये ऑप्शंस में हैं, ऐसे करोगे तो भी ठीक और ऐसे करोगे तो भी ठीक. उसके बाद देखते हैं कुछ आपकी नाउन ऐसी होती हैं जो एफ़ या फिर एफ ई पे ख़त्म होती हैं. कुछ नाउन आपकी एफ या फिर एफ ई पे ख़त्म होती हैं तो आप वहाँ पे क्या लगाते हैं, वी ई एस. जैसे आपका हो गया वाइफ, थीफ, लीफ, कार्फ, तो जब आप इनका प्लूरल बनाते हैं तो कार्फ का कार्फ हो जाता है, थीफ हो जाता है, लीव्स हो जाता है, वाइफ हो जाता है, लाइव्स हो जाता है. इस तरीके से जब आप इनका प्लूरल बनाते हैं
तो इनमें भी ES आता है। ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं F और FE वाले में भी S लगाएंगे तो भी कुछ काफ़ी सारे ऐसे हैं जो S लगने से प्लूरल बनेंगे, जैसे प्रूफ हो गया, ब्लीफ हो गया, रूफ हो गया, तो इनमें जब आप S लगाएंगे तो ये प्लूरल बनेंगे। उसके बाद में आप आगे देख सकते हैं कि कुछ ऐसे हैं जिनमें आप S भी लगा सकते हैं और आप VES भी लगा सकते हैं, आपके दोनों भी इनमें ठीक जाएंगे। तो आप इनको भी इजीली देख सकते हैं, स्कार्फ है, हैंकरचीफ है। हमारी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनमें जब हम अंदर का वॉवल चेंज कर देते हैं, जो उनमें वॉवल होता है, जब हम वो वॉवल चेंज कर देते हैं तो वो इजीली प्लूरल बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा एम ए एन मैन होता है, लेकिन जब आपको इसका प्लूरल बनाना होता है तो आपको ए का सिर्फ ई करना पड़ता है एम ए एन। ऐसे आपने टूथ, एक दांत को कहते हैं, जब आपको उसका प्लूरल बनाना होता है तो वो टीथ हो जाता है। ऐसे आपने देखा होगा फुट, पैर के लिए यूज़ होता है फुट, ठीक, जो ये आपका जो पंजा होता है उसके लिए यूज़ होता है, जो तलवा होता है सब के लिए, जब इसका प्लूरल बनता है तो फिट हो जाता है। सेम ऐसे माउस का है, लूज का है, कूस का है। तो स्टूडेंट्स कुछ वॉवल्स ऐसे होते हैं, सॉरी कुछ नाउन ऐसी होती है जिनका इनसाइड का जब हम वॉवल चेंज करते हैं तो उनका प्लूरल इजीली बन जाता है। अब कुछ इसके बाद में कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं जिनको हमें पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स, आप इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए, आपको यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक आपके प्लूरल के जो ये कॉमन से थे आपको जिस तरीके से बनाना था तो आपके लिए इतने काफ़ी हैं। आप इतने रूल्स को याद कर लीजिए, इतने रूल्स ही आपके लिए एनफ हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पेज पे आपकी जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज दी हुई है, उसकी अभी मैं PDF आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, आपको PDF भी साथ में बुक में फिल कर लीजिएगा। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के नंबर्स क्या होते हैं और किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। कुछ आपको लर्न करके याद करने पड़ेंगे और कुछ आप रूल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा आपकी बुक में जितने भी आपको सिंगुलर प्लूरल दिए हुए हैं आपको वो सब याद हो जाएँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।